माननीय उपसभापति महोदय, मैं आसन का आभारी हूं कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक, दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर विचार करने के लिए इस सदन में आपने अनुमति दी और माननीय सदस्यों ने इस सदन में तमिलनाडु से संबंधित अनुसूचित जनजातियां के सूची में प्रविष्ट करने के दृष्टि से जो नारी कुर्बन और नारी विकाकरण समुदाय के संबंध में चर्चा की, इस चर्चा के दौरान जीबीएल नरसिम्हा राव से लेकर काफी माननीय सदस्यों ने, यानी अभी लास्ट वक्ता जो रविंद्र कुमार जी है उनका भी मैं वक्तव्य सुन रहा था, ऐसे 15 माननीय सदस्यों ने इस सदन में तमिलनाडु के नारी कुर्बन और कुरुविकरण समुदाय के प्रविष्ट सम्मिलित करने, इंक्लूजन के, और साथ ही साथ आदिवासी जनजाति ट्राइबल कम्युनिटी के अन्यान्य समस्याओं पर भी विचार किया, चर्चा किया, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक दृष्टि से भी लोगों ने अपने विचार रखे। मैं सबसे पहले आज तमिलनाडु के उन लोगों को जिन्हें काफ़ी वर्षों से न्याय की अपेक्षा थी, और जिस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन्हें न्याय मिले, इस सदन में चर्चा के लिए और चर्चा के उपरांत सदन के माध्यम से पारित करते हुए उन्हें अधिकारों से, संवैधानिक प्रावधानों से संरक्षित किया जाए। नारी कुर्बन, नारी कुरुविकरण, ये पर्यायवाची शब्द जो पिछले कई वर्षों से, यानी आज़ादी के बाद लगातार ये उत्पीड़ित रहे, अधिकारों से वंचित रहे और न्याय की गुहार करते रहे, इसकी आबादी बहुत कम है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने किया, और समय समय पर इसके पहले भी, क्योंकि लगातार कई राज्यों के ऐसे विसंगतियों को, ऐसे जनजाति समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सदन में चर्चा हो, इसका प्रयत्न होता रहा, और पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी कई ऐसे विधेयक लाकर न्याय मिले यह सुनिश्चित किया गया। ये समुदाय की आबादी बहुत कम है, आप हम सभी इस बात से अवगत हैं उपसभापति महोदय, कि ट्राइबल जनजाति समुदाय करैक्टर बेस, यानी चारित्रिक गुणों के आधार पर पहचान करते हुए सूचीबद्ध किया जाता रहा है, किया गया है, और उसमें कहा गया कि उनके डिस्टिंक्ट कल्चर, उसके जो जीवन पद्धति है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसके साथ साथ ही ये कहा गया है कि उसमें साइनेस, यानी कहने में भी हिचकिचाना, कहना है फिर भी काफ़ी सोच विचार करके कि आज कहना है या कल कहना है, आज स्थिति सामान्य नहीं, अपने मन में ही सोच करके
वो अपने को बैकआउट कर लेता है, ठीक है आगे कभी कहेंगे, ऐसे सोच करके अपनी बातों को सहजता के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उसे साइनस के रूप में कि सब कुछ आता है, वैसे उसका परिचय है। उसी तरीके से वो आइसोलेशन के साथ यानी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, पहाड़ों में, पहाड़ों से घिरा हुआ जंगलों के बीच के गांव में अपना हट बना करके, अपना कबीला के दृष्टि से सोच करके और वही आय उपार्जन का साधन प्राकृतिक दृष्टि से ढूंढते हुए अपने जीवन यापन के साथ शांति और अपनी संस्कृति के प्रति आगाध प्रेम रखते हुए प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जो जंगलों में वन्य आधारित जो भी उपलब्ध होता है उसके साथ कई ऐसे हैं, जैसे इसके बारे में कहा गया है कि ये जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, फिर पेड़ फल मूल कंद के भरोसे और कुछ अनाज इस तरह के जो मोटे अनाज, जिस अनाज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन को लिख करके ये बताया कि इस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में मिलेट ईयर के रूप में मनाना चाहिए और यूएन ने उसकी स्वीकृति दी, यह वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वह मिलेट का उत्पादन करने वाला इन जंगलों में रहने वाले लोग, इन जंगलों में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति मोटे अनाज के साथ जुड़ी हुई है, तो यह उनका परिचय है, बैकवर्डनेस उनका परिचय है। और इस दृष्टि से जो साइनस होने के कारण कई वर्षों लगे, वर्ष लगे उनकी आवाज को समझने के लिए और अंततः इस सदन में इस विचार के साथ लाया गया नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि उनकी आवाज, उनकी गूंज हमें समझना चाहिए, बजाय कि हम बहुत सारी बातें कहें बल्कि जिसकी आबादी कम है। आपने देखा होगा इन आंकड़ों में, इन आंकड़ों में जो खासकर समुदाय की बात कही गई उनकी आबादी 5000 है, लेकिन 131 करोड़ आबादी के देश में 5000 लोगों की आवाज भी यह सरकार सुन सकती है, ये इस बात का प्रतीक है। और इसलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, हमें बेहद प्रसन्नता है कि काफी माननीय सदस्यों ने इस बात पर समर्थन करते हुए कि इन्हें सूचीबद्ध किया जाए। इसके साथ साथ ही कई माननीय सदस्यों ने और भी अपने अपने राज्यों के बारे में कहा है। भारत सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार संवेदनशील है, सहजता के साथ, सरलता के साथ रहने वाले लोगों को संवेदनशीलता के साथ कैसे देखा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसलिए इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके पहले उत्तर प्रदेश का हुआ, अभी इसके बाद कर्नाटक का, हिमाचल का या और भी कई प्रदेशों का हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो पद्धति है, जो हमारे मोडालिटीज है, जिस प्रावधान के तहत, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपको यह डिस्टिंक्ट कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सारे समुदायों को जो चारित्रिक गुणों के साथ परंपरागत ढंग से वर्षों से एक लोकतांत्रिक विश्वास के साथ इस देश में जी रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सभी पर हमारा राज्य सरकारों के साथ कि वो अच्छे ढंग से एंथ्रोपोलॉजी के साथ, एथनोग्राफिक रिपोर्ट के साथ इन सारे चीजों को प्रस्तुत करें और प्रस्तुत करते हुए हम उसे आगे, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में कुछ इस तरह की संस्थाएं हमारे लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए कार्य करती है, जैसे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देश में लोकतांत्रिक आधार पर सरकार चुनी जाए इसके लिए काम करती है। उसी तरीके से सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया वो इस देश में लगातार इस बात के लिए प्रयत्न करता है कि देश के आबादी और खासकर जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी सूची एक अच्छे ढंग से बने। तो इसलिए जो हमारी प्रविधि है, जो व्यवस्था है कि RGI इन सारे चीजों में गहन अध्ययन करने के बाद अपना मंतव्य दे। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसको देखता है और देखने के बाद में वो अपना कमेंट्स के साथ भेजता है
और तब आगे कंसल्टेशन की कार्रवाई शुरू होती है और इस ढंग से हम सारे समुदायों के बारे में काम कर रहे हैं। मैंने कल लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की कि हमारे पास जो पेंडिंग है, हमारे पास जो मामले हैं, उस पर अध्ययन का कार्य चल रहा है और जिसका जो अध्ययन का रिपोर्ट राज्य सरकारों के माध्यम से आएगा, उन राज्य सरकारों के अध्ययन को RGI को भेजते हुए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजते हुए, उस पर जो सहमति या उनके जो गुणात्मक चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे चीजों को सदन में लाकर कैसे न्याय मिले यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे और ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका परिचय आप देख रहे हैं कि आज नारी कुर्बन, नारी विकरण का यह समुदाय के मामले में चल रहा है। उपसभापति महोदय, माननीय कुछ सदस्यों ने इसके साथ साथ ही इस बात पर कहा है कि ट्राइबल एट्रोसिटीज का आपको सदन को इस बात से अवगत है कि सदन में ही ट्राइबल शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और सशक्त कैसे बने, इसी सदन पर चर्चा करते हुए उस पर नए तरीके से संशोधन पारित किया गया ताकि इस तरह के अत्याचार, इस तरह के अन्याय या इस तरह का एट्रोसिटीज न घटे। इसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार भारत सरकार की चेष्टा है कि राज्यों के माध्यम से जो व्यवस्था को संतुलित और बेहतर एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ गवर्नेंस अच्छा हो, पेशा के माध्यम से अच्छी गवर्नेंस हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। हम पंचायती राज मंत्रालय के साथ संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इस देश में FRA के माध्यम से, फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से, कम्युनिटी फॉरेस्ट का अधिक से अधिक अधिकार उन गांव में रहने वाले परंपरागत वन निवासी, जंगल में रहने वाले लोगों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से उनका जीवन का जो आधार है वो और मजबूत हो। इसके साथ साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस समय जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई, आपको ज्ञात है, सदन को इस बात का अनुभव है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में जो कंटेंट्स दिए गए हैं और ट्राइबल्स के लिए जो चैप्टर दिए गए, आप इस सदन अवगत है कि ट्राइबल के बहुत सारे, क्योंकि 700 से अधिक समूह है और उसके अपने डायलेक्ट है, अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, और एक बड़ी रुकावट ट्राइबल एरिया के एजुकेशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आप हम सब इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, कई माननीय सदस्य ट्रांसलेटर लेकर के सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसमें भाषा की बैरियर है, भाषा एक बड़ा संकट है। नई शिक्षा नीति में जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यह व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया गया है। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि नारी कुर्बन, नारी गुरु विकरण को इस सदन के माध्यम से आज पारित किया जाए और जो समुदाय इंतजार में है उसे न्याय मिले। धन्यवाद।